हेलो फ्रेंड्स, सिलाई मेरे संग में आप सबका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको स्कूल की ड्रेस पे कॉलर लगाना सिखाऊंगी। बटन वाली पट्टी और कॉलर किस तरीके से लगती है, चलिए मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। आज ये मैंने तीरा लिया है, लगभग 7.5 है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तीरा। मैंने 7.5 लिया है। ये स्कूल की ड्रेस है, ये इसमें मैं फुल कॉलर बनाना सिखाऊंगी आपको। फुल कर कॉलर कैसे लगता है इस पर, चलिए मैं आपको इसमें गला कटिंग करके दिखाऊंगी। गले की कटिंग किस तरीके से होएगी, फिर इसमें मैं आपको कॉलर फिट करना सिखाऊंगी। पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये मैंने गला चौड़ाई जो है मैंने 3 इंच ली है, गले की निशान लगा दिया। अब मैं इसकी लंबाई 3.5 ले रही हूँ। एक बॉक्स बना लूँगी इसे और इसमें राउंड गला दूँगी मैं। निशान लगा के इसमें गोल गला बनाऊंगी। इस पे हल्की गोल शेप दूंगी इस पे मैं। देखिए लग गया, कटिंग करके दिखाती मैं आपको। अच्छे चेक करके गले की कटिंग करना, क्योंकि गला फिर टेढ़ा चला जाएगा नहीं तो। चलिए अब मैं इसमें बटन की पट्टी की कटिंग दिखा रही हूँ। यहाँ बटन वाली पट्टी लगेगी, ये लगभग मैंने 7 इंच पर पट्टी लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, 7 पर निशान लगाऊँगी और बीच में कट डालूँगी मैं। चलिए कटिंग करके दिखाती हूँ इस पर। फ्रेंड्स, इसमें बटन लगेंगे, क्योंकि ये स्कूल की ड्रेस है, इसमें बटन ही लगेंगे। देखिए फ्रेंड, चलिए इसमें मैं आपको बटन वाली पट्टी लगाना सिखाऊंगी। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये पट्टी है बटन वाली, ये लगभग 3 इंच चौड़ाई लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड, ये 3 इंच चौड़ाई लूँगी मैं। निशान लगा के इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको और इससे फिर लगाना सिखाऊंगी। लगभग ये पट्टी 10 इंच लंबाई लूँगी मैं, 10 साढ़े 10, आप जितना लेना चाहो। मैं 10 इंच ले रही हूँ। अब इसे 2 टुकड़े करूँगी मैं, दोनों साइड पट्टी लगेगी। ये चलिए इस पट्टी को लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। जो मैंने कटिंग कर रखी है पट्टी, इस पे लगा के दिखाऊंगी कैसे लगेगी। पहले मैं दोनों पट्टियों को आपको जोड़ के दिखाती हूँ। एक तरफ दूसरी पट्टी जोड़ के दिखाऊंगी। देखिए
अब इसे किससे फोल्ड करूँगी दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए एक तरफ बटन लगेंगे, एक तरफ आई बनेगी इसकी, सीधे हाथ पे बटन होएंगे, उल्टे हाथ पे आई होएगी। चलिए मैं इसे सिल के दिखाती हूँ। देखिए सिलाई लगा रही हूँ मैं इस पे, इस पट्टी पे। अब दूसरी तरफ सिलूंगी इस पट्टी को। अभी इस कपड़े की कटिंग नहीं करूंगी फ्रेंड, देखना पड़ेगा किधर हुक है, किधर किधर बटन है, किधर आई है इसकी, काज बनेगा जो इस पे। देखिए फ्रेंड अब कटिंग करूंगी, आप चेक कर लीजिए किधर काज बनेगा, किधर बटन लगेगा। जो काज वाला है उसकी कटिंग करूंगी और जो बटन वाला है उसकी कटिंग नहीं करूंगी। इस कपड़े पर बटन लगेंगे जिसकी कटिंग करी हूँ मैं। चलिए सेट करके इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसे पहले जोड़ूंगी अच्छे से, एक गला हिले ना। इसे सुई से टाक दूंगी जाके हिले ना ये। चलिए सेट करके दिखाती हूँ इस पट्टी को, आराम से सेट कर सकते हो आप भी। यहाँ सिलाई लगाई, इसको कटिंग करूँगी पहले मैं थोड़ी सी उस कपड़े को, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अच्छे से सेट करके इसे हल्का सा इसमें त्रिकोणा से दूंगी मैं, कपड़े को फोल्ड करके एक शेप दूंगी मैं। देखिए हल्की हल्की सी तिरछापन किया इसमें मैंने, त्रिकोणा से बनाया है। इस पर सिलाई लगाऊंगी मैं अच्छे से सेट करके। आराम आराम से सिलाई लगाते चली जाऊंगी इस पे मैं, इस पट्टी पे। देखिए फ्रेंड लगभग ये 2 इंच ऊपर लगाऊंगी सिलाई में इसके, आपको मैं इंची टेप से नाप के दिखा रही हूँ मैं। लगभग 2 इंच तक सिलाई लगेगी ये। यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी मैं। देखिए मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ, आप भी इस तरीके से लगा सकते हो फिनिशिंग से। लगभग 1 से 2 बार सिलाई जरूर लगाएं फ्रेंड्स, यहाँ मजबूती देनी बहुत ज़रूरी है इस बटन वाली जगह पर।
चलिए मैं आपको तीरा जोड़ के दिखाती हूँ। अब देखिए कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगा दी मैंने इस पर। अब मैं आपको तीरा जोड़ के और कॉलर लगाना सिखाऊंगी, कटिंग करके आपको अपने हाथों से कटिंग करके आपको लगाना सिखाऊंगी मैं इसमें। ये पिछला पल्ला है, चलिए मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगी आपको इसका तीरा। पहले तीरे पर सिलाई लगाऊंगी इसके। देखिए फ्रेंड तीरा जोड़ दिया। चलिए गला आपको नाप को दिखाती हूँ कितने इंच का कॉलर लगेगा हमारा। ये आप गले को इस तरीके से नाप सकते हो। देखिए ये मैंने नाप लिया, लगभग 19 इंच का लगेगा ये कॉलर। पर फ्रेंड्स मैं 19 इंच का नहीं लगाऊंगी, मैं लगभग ये 18.5 इंच का कॉलर लगाऊंगी इस पर, आधा इंच कम लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स 18.5 आया है ये टोटल मेरा 18.5 आया है। चलिए मैं इस, ये पेस्टिंग है ये मार्केट में मिल जाएगा आपको, ये कॉलर वाली पेस्टिंग है, इससे कॉलर ख़राब नहीं होता है। चलिए मैं आपको इस पर कॉलर कटिंग करके दिखाऊंगी। लगभग ये 3.5 इंच का कॉलर होगा। ये 3.5 पे मैंने निशान लगा दिया। इस बुकरम की लंबाई लगभग 18 इंच होगा, मैं इसे आधा इंच कम में ही बनाऊंगी क्योंकि कॉलर है फ्रेंड ये थोड़ा सा फिटिंग में ही होता है, इसलिए आधा इंच कम कटिंग करूंगी इस कॉलर की मैं। अगर ये 18.5 तो 18 नहीं करूँगी, 18 इंच पर ही कटिंग करूँगी इसकी। देखिए 3.5 पे मैंने निशान लगा के अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। चलिए इस पे कॉलर कटिंग करके दिखाऊंगी मैं आपको। इसे इस तरीके से दो फोल्ड कर लिया। चलिए मैं आपको इसमें निशान लगा के दिखाऊंगी। ये लगभग मैंने 1 इंच इसकी लंबाई ली है, ये लंबाई हो गई 1.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। इसे एक बॉक्स बना लूंगी, इसे उल्टी शेप दूंगी गोलाई की। फ्रेंड देखना मैंने किस तरीके से गोलाई की शेप दी है, आप भी ऐसे ही देना, गलती मत करना इसमें। यहाँ से तिरछा निशान लगा दिया मैंने, ये देखिए ये निशान लगा दिया मैंने। लगभग 1/2 इंच की गहराई दूंगी इस कॉलर में पीछे से।
चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। लगभग इस इंची टेप का आधा बस यहाँ तक लगाऊंगी। हल्की सी गहराई दूंगी। अब इसे कटिंग करके दिखाती हूँ। बुकरम को अच्छे से पकड़ के कटिंग करना। कॉलर उल्टा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए कॉलर कटिंग कर दी मैंने। चलिए इसे लगाना सिखाती हूँ मैं। ये पेस्टिंग है, इसे पहले इस कपड़े पर चिपकाऊंगी। मैंने प्रेस को पहले से गर्म करके रखा है, इसे चिपकाऊंगी इस पर, इस कॉलर को, इस पेस्टिंग को कपड़े पर चिपका दूंगी इस पर। ये बड़े आराम से कपड़े पर चिपक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स चिपक गया ये। चलिए इसे सेट करना सिखाती हूँ मैं आपको। पहले इसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगा ली है मैंने इस पे। इस कपड़े को कटिंग करके निकालूंगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें। इस पे सिलाई लगाऊंगी शेप के हिसाब से। पहले कटिंग करूंगी, आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग करूंगी इसमें। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकालूंगी। चलिए कॉलर को सिल के दिखाती हूँ मैं पहले आपको। किनारे किनारे पे सिलाई लगाना बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल भी बुकरम ज़्यादा बुकरम पर सिलाई नहीं लगाना। इसकी कटिंग करूँगी इस कपड़े की, जो फालतू कपड़े हैं। दोनों साइड से कटिंग करके निकालूंगी। इसे सीधा करके दिखाती हूँ इस कॉलर को। हल्का सा कट का निशान लगाऊंगी पहले, सीधा करने में आसानी रहेगी इसे। हल्का हल्का कट का निशान लगा दूंगी चारों तरफ। चलिए इसे सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस कॉलर की चोंच निकालनी पड़ेगी पहले। अगर आप से पेचकस प्लास से किसी चीज़ से भी निकाल सकते हो, मशीन पे वो जो लोहा दे रखा है उस पर उससे भी निकाल सकते हो आप। इसे आराम आराम से पेचकस लगा के इसे निकाल सकते हो आप।
देखिए फ्रेंड्स निकल गया कितने अच्छे से। चलिए इस पर कच्ची सिलाई लगा के दिखाऊंगी मैं पहले आपको। इस चोंच को अच्छे से निकालूंगी इस कॉलर के। चलिए इस पर पहले कच्ची सिलाई लगा के दिखाती हूँ, इससे कॉलर सेट हो जाएगा पहले। देखिए फ्रेंड बन गया है कॉलर। चलिए इसे ड्रेस पे सेट करके दिखाती हूँ मैं। पहले इस कपड़े कटिंग करके निकालूंगी, बिल्कुल दो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है सिर्फ कॉलर सेट करने के लिए, बिल्कुल दो पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। आधे इंच से भी कम है ये कपड़ा है जो मैं छोड़ रही हूँ इस कॉलर को सेट करने में। ज़्यादा छोड़ोगे तो कॉलर सेट नहीं होगा अच्छे से, बिल्कुल आधे इंच से भी कम है ये मार्जिन छोड़ा मैंने इसमें। देखिए फ्रेंड्स कितना कम कपड़ा छोड़ा है। चलिए मैं इसे सेट करके दिखाती हूँ ड्रेस में। ये देखिए ड्रेस है ये, इसे मैं उल्टी साइड से लगाऊंगी, इस कॉलर को उल्टे से सीधे फोल्ड करूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स आप भी उल्टे से सीधे पर ही फोल्ड करना। इसको थोड़ा सा हटा के मैं सिलाई लगाऊंगी, हल्का सा आधे इंच से भी कम हटा के सिलाई लगाऊंगी। देखिए दो पॉइंट हटा के सिलाई लगाऊंगी यहाँ से। ये फ्रेंड अगर हटा के नहीं लगाऊंगी तो कॉलर सेट नहीं होगा अच्छे से, इसलिए हटा के लगा रही हूँ इसे ताकि कॉलर सेट हो जाए अच्छे से। आप भी ऐसे ही लगाना जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, हल्का सा हटा के इस कॉलर को। लगभग आधे इंच पर सिलाई लगाना है इस कॉलर पर। अगर एक बारी में कॉलर सेट ना हो तो दूसरी बारी में आप दूसरी तरफ से सिलाई लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड इधर भी इतना ही बचेगा जिधर उतना बचा था, क्योंकि मैंने आधा इंच ये कॉलर वैसे भी कम कटिंग किया है, इसलिए ये आधा इंच थोड़ा सा उधर बचा, थोड़ा सा इधर सेट हो जाएगा ये कॉलर, इसीलिए मैंने आधा इंच कम कटिंग करी है इस कॉलर को। देखिए इसमें फिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड ये आराम से कॉलर फिट हो जाएगा इसमें। चलिए मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। आराम आराम से सिलाई लगाते चल जाना है इस फ्रेंड को, कॉलर को खींचना नहीं बिल्कुल भी, ना कपड़े को खींचना है, आराम आराम से सिलाई लगाते चले जाना है ऐसे ही। कॉलर अपने आप सेट हो जाएगी इस कपड़े पर, आपको बिल्कुल कपड़ा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड कितने आराम से कॉलर बैठ गई है। सो मैंने डबल सिलाई लगा ली है, देखिए चलिए कॉलर की किनारी में सिलाई लगाना सिखाती हूँ मैं आपको। हल्की हल्की सिलाई लगाते चले जाएंगे कॉलर की किनारी पर।
जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसे हटा दूंगी मैं जड़ के। देखिए फ्रेंड मैंने उधेड़ दिए। चलिए मैं आपको कॉलर दिखाती हूँ किस तरीके से सेट हुआ कॉलर ये स्कूल की ड्रेस की। फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो ऐसे ही ड्रेस स्कूल की, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो और भी लेके आऊँगी ऐसी अनोखी। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मैंने सेट कर दिया इस कॉलर को, आप भी ऐसे ही बना सकते हो। बहुत आसान तरीका है ये कॉलर लगाने का और परफेक्ट एकदम से कॉलर ही बनता है। यहाँ पे आप स्कूल की पट्टी लगा सकते हो, जो स्कूल की ड्रेस में पट्टी होती है आप अपने आप लगा सकते हो यहाँ पर। अगर आपको लगानी नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे बता सकते हो, मैं आपको ये पट्टी लगानी सिखा सकती हूँ। देखिए कितने अच्छे से बन गई ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स ये पट्टी लगी है साइडों में, ये बटन लग गए इसमें।